which was established was the, was established the NAB National Accountability Bureau अच्छा, institutions definitely कुछ कुछ thought process at that point of time Maybe उस का environment different हो शायद उस सोच ये होगी हमने बाकी इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लानी है और हमने वी in corruption और लेकिन मैं भी उसका जो पोस्ट सीबीए सिनेरियो है उसको फोर्को किया होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या ट्रांसलेट होंगे एट द एंड ऑफ द डे तो मे बी दैट वी एनदर फॉल आउट ऑफ टाइम और फिर तीसरा उस इसके के अंदर ये भी था कि इट स्टार्टेड यूजिंग न, आपने, आपने सुना होगा ना जब भी पाकिस्तान के बारे में बाहर के लोग बात करते हैं ना वो सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने अंदर अपनी पोलिटिकल सिचुएशन को ठीक करें वो उसके, उससे पहले कोई वो ना करप्शन की बात करते हैं ना इकोनॉमी की बात करते हैं ना फौज की बात करते हैं ना किसी और ट्रेड की बात करते हैं वो कहते हैं अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक करें उसका क्या मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि अभी आज आपने गौर किया होगा बेचारा वो जाकिर नायक तकरीरें करने आया है क्या हाल हो रहा है उसका ना किस किस तरह के कि उस पर सवाल हो रहे हैं तो जब मुल्क में पोलराइजेशन होती है पोलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं होती ना आप नैब बना लें आप आईनी अदालत बना लें आप जो मर्जी बना लें अगले दिन लोग उसको गालियां देनी शुरू कर देंगे क्योंकि आप बेसिकली एज ए नेशन एक कंसेंसस पे आ नहीं रहे ना इसी थे वक्त अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन जो ही आप ठीक करेंगे ना अभी फिर नैप भी ठीक हो जाएगा फिर सब कुछ ही ठीक हो जाएगा लेकिन अभी कि इज अ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप जावेद शुरू करेंगे मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा मैं शुरू करूंगा आप मेरे खिलाफ हो जाएंगे हम दोनों शुरू करेंगे इमरान और कमरान हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो इसीलिए लोग कहते हैं कि सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक करें उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी उसके बाद आप गलत काम भी कर रहे हो ना तो उसके उस पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होने के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो इन बिल्ट चीजों को ठीक करना शुरू कर देता है लेकिन जब पोलिटिकल डिवाइड होती है तो वो इतना सिचुएशन खराब होती है कि वो ठीक चीजों को भी ना अल्टीमेटली आपके सामने खराब करके ले आता है तो सर सर इंटरनेशनल लेकिन इसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में तो सर उन्होंने एसओपीज़ अपने नेब ने जारी कर दी हैं कि फिफ्टी मिलियन से कोई भी अब कोई भी प्रोजेक्ट होता है इधर इज डेवलपमेंट सोशल और एनी टाइप तो वो उस प्रोजेक्ट का प्रोसेस हमसे पूछ लेते हैं और हम उनको भिजवा देते हैं तो वो एस काफी सालों से फॉलो हो रहा है एंड बिफोर दिस आई डी जी ऑफ पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वहां तकरीबन 20 अरब के प्रोजेक्ट थे जो मैंने करवाए थे सारे पंजाब के इंडस्ट्रियल तो नेप के पास पचास हजार फाइलें भी भेजी थी लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन और एवरीथिंग कंप्लीट है तो की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहां पे नहीं हुआ। वो जो जावेद का सवाल है वो वो मार्केट फेलियर के बारे में वो ये कह रहे हैं कि इन पॉलिसीज की वजह से अगर कोई इंडिविजुअल्स गलत हरकतें करना शुरू कर दें तो फिर उसके लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होगा ना तो नैब के दो है रोल्स हैं ना बेसिकली आप कि उसने गवर्नमेंट फेलियर वाले एड्रेस अच्छा कि uh, रो, अच्छा नहीं किया तो बस सर एक, ही। सर सिर्फ कि uh, ये सिर्फ ऐड ऑन एक चीज है क्या इन इंस्टीट्यूशंस की लिए बीन अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट

तो अगर आप सी करेंगे तो सी आपको किस दिन पकड़ लेगा कि तुमने सीबीए में ये ये क्यों नहीं किया था तो इसीलिए पहले होना चाहिए पॉलिटिकल कंसेंसस पहले हमें अपने मुल्क को किस तरफ ले जाना है वहां पे होगा फिर 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 कोई बेकार सा टूल भी ना बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा आपके पास और नहीं डेवलप्ड कंट्रीज में क्या डेवलप्ड कंट्रीज में कोई ऐसी एग्जांपल्स हैं इट इज इन योर नॉलेज कि जहां पे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए भी ये बी की हो देखिये इंस्टीट्यूशन तो नया बनाना तो बड़ा रेयर होता है ना किसी डेवलप्ड का मतलब यही होता है कि उनके इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं और सेटल हो गए हैं ना डेवलप की डेफिनेशन ही यही है तो हम ये तो उनका प्रॉब्लम ही नहीं है मे बी पाँच छः सौ साल पहले कहीं उन्होंने किया उस वक्त ये चैलेंज आए होंगे उनको भी तो बस गोल यही होना चाहिए ओवरऑल के एक दूसरे को बर्दाश्त करें पोलिटिकल कंसेंसिस की तरफ जाएं वहाँ से फिर इकोनॉमी की तरफ जाएं तो फिर कहीं पहुँचेंगे अल्लाह खैर करेगा सही, सर, इन्षाल्णा। और सर यहाँ पर एक चीज में ऐड करूंगा हम भी यहाँ पे सोश, जो जो तो सीपीए करते हैं में या, तो उसमें भी सोशल इंपक्त, 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 इन तीन चीजों को स्पेशली एड्रेस किया जाता है तो सोशल इम्पैक्ट में अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है तो वो हम खुलकर तो नहीं बताते लेकिन वह उसको भी किसी तक हम कैटर तो करते हैं उसमें ना ये इससे डिसएडवांटेज बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आप आप करते हैं हैं वो 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 बात कर रहे सर, मैं, uh, होने के बावजूद जो आपने एक्सपेक्ट किया दूंगा कालाबाग डैम जिसकी बहुत अच्छी पीसी वन बन चुका टेक्निकली विच वॉज फीजेबल बट अनफॉर्चुनेटली और इसके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट होने के बावजूद इट कुड नॉट कमेंट्स हालांकि पाकिस्तान में इस हमें अपना वाटर uh, कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशेंसी बढ़ाने की बहुत जरूरत है uh, उसकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी लेकिन uh, या शायद सी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इट कु दूसरा सर इसकी सक्सेस जो है वो मिरानी डैम है कि जब वो बन रहा था थोड़े इसके इशूज थे लेकिन अभी मिरानी डैम की वजह से जहां पे ये बना हुआ इट इज सो पीपल आर वेरी हैप्पी एंड देव पीपल ऑफ ग्वादर टू टेक वाटर इवन फॉर देयर कंजम्पन तीसरी चीज सर ये है कि अभी ये जो सी बी ए है हमारी ऐसी है कि अभी हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो है हंड्रेड फिफ्टी uh, मेगावाट के जो ये सोलर के प्रोजेक्ट हैं वो लगा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से हम सारा उनको करके देते हैं कि ये है गवर्नमेंट के पैसे भी नहीं लगेंगे ये इन्वेस्टर है ये इसको लेके आएगा ये ट्वेंटी रन करेगा और उसके बाद ये हमें दे, दे देगा उसमें लैंड हमारी अपनी होगी बट इसमें बहुत हैं प्रॉबेबली एक सबसे बड़ी ये है कि अभी अगर हम सोलराइजेशन को करते हैं तो वापदा की जो वायबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है विद ये आगे कैसे सर्वाइव करेगा अब इस तरह की क्वैगमाइट से हम कैसे सर आगे निकलेंगे हालांकि ये अभी हमारी जरूरत भी है और हमें करना भी चाहिए लेकिन अगर आप 25 किलोवाट से अगर डोमेस्टिक भी ऊपर लगाते हैं तो वो भी उसको भी यहाँ पे काफी डिस्क, डिस्करेज किया जाता है और एनओसी वगैरह लेना होता है अच्छा मैं आपको बताऊं मेरी ना एक एक आज से कोई अब इट इज 6 ईयर नाउ दोज के एंड पे ना मेरी के इलेक्ट्रिक इसी तरह एक स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में एक डिस्कशन हो रही थी तो वो उस वक्त भी बड़े क्लियर थे कि डेकेड डाउन द रोड वी वी विल विल नॉट बी बी प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 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 मैनेजर्स लोग अपने घर की छतों पर बनाएंगे हम खाली उसको मैनेज कर रहे होंगे कि इससे लेके उसको बेच दी उससे लेके उसको, ले उसको बेच दी फिर भी बच गई तो इंडस्ट्री को बेच दी इंडस्ट्री से लेके इनको बेच दी और बीच में एक एक रुपया पर यूनिट या आधा रुपया पर यूनिट ले लिया तो अगर जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को अब मेरा ख्याल है आप, आप आपने चूंकि इस एरिया का सवाल पूछा तो आपका आइडिया होगा कि अब डिस्कोज को भी प्राइवेटाइज करने की तरफ गवर्नमेंट किसी वक्त जा रही है ना तो हमें जल्द अज जल्द इसको प्राइवेट सेक्टर को देना होगा और प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ छोटे स्केल की बात हो रही है ना वहाँ पे लोकल लोगों को देना होगा ताकि लोगों का इस लोगों को इसमें अपना फायदा नजर आए बाकी जो आप कॉस्ट ऑफ वापडा की जो कॉस्ट बात कर रहे हैं वो कॉस्ट तो है उस उसमें लोगों को समझाना बड़ा जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन Uh, कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन uh, में क्या क्या लगता है खंभे लगते हैं तारे लगती हैं आप जिन लोगों ने वो एनर्जी वाला मेरा कोर्स पढ़ा होगा दे वुड नो कि आजकल आधी से ज्यादा कॉस्ट एक यूनिट की वो डिस्ट्रीब्यूशन के खाते में जा रही है तो वो अगर आपको नहीं चाहिए लोगों को कहें बताएं नहीं चाहिए तो बस दिन को अपने घर के छत पर बिजली लगाएं शाम को बिजली नहीं होगी आपके पास लेकिन अगर शाम को भी बिजली चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो चाहिए और वो उसको जितना जल्दी प्राइवेटाइज करके जैसे गवर्नमेंट ने इनफैक्ट आज से पाँच छः चार पाँच साल पहले गवर्नमेंट ने एक दो कंपनीज बनाई थी जो जो मैनेजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे लेकिन वो सम किसी हद तक कराची में तो ठीक चल गए हैं लाहौर में भी ठीक चल गए हैं लेकिन अब उसके बाद अभी रेप्लीकेट हो नहीं रहे होपफुल नई इंटरवेंशन में वो भी हो जाएंगे तो इट्स एन ऑर्डर्स जर्नी डाउन द रोड लेकिन द जर्नी इज़ टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट का रोल आ, इंटरवेंशनस में उस वक्त आए जब मार्केट फेलियर हो जाए बस इस तरह का कोई रोल रखना चाहिए जो वापटा का मॉडल है ना वो तो ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि मैं शुरू से ले कर क्रेडिल टू ग्रेव तक मैं खुद ही करूँगी सब कुछ ना तो वो उसमें तो फिर ये प्रॉब्लम आने थे जो आज हम फेस कर रहे हैं तो ऐसा आसा इसका जवाब इलाज ये है, है आ, ए, कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट अपने हाथ से चीज़ें छोड़े जिन लोगों का काम है उनको करने दे और खुद उस वक्त आए जब फेलियर्स हूँ मेरा यही सवाल है कि सर हम इतना पैसा रोड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं और हम गैर जरूरी तौर पे सीबीए के अंदर प्रूव करते हैं कि ये सड़क जो है ना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हालांकि ये एन, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आप स्पेंड करें और एनर्जी कंजर्वेशन ये हमारे दो टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए अभी कोयटा में सर एटीन फीट मतलब मिनिमम नीचे, नीचे मतलब आपको जाके पानी मिलना शुरू होता है एंड इट इज नॉट इवन एट ऑल दी प्लेसेस अभी वहां पे हम मंगी डैम का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बना रहे थे उसने उसको कंट्रीब्यूट करना है हालांकि तीन चार इस तरह के छोटे डैम्स जो हैं वो वाटर सप्लाई के या वाटर कंजर्वेशन के वहां बन सकते हैं लेकिन ये हमारे प्लानिंग कमीशन में मैं चार पांच दफा मैंने भी वहां पे

ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए और उसने एक टेक्नोलॉजी जोन की बात की थी जो जो सड़क के भी बहुत बाद में आता है तो बस वो इसमें ऐसा होता है ना कि लोग अब लोग हर एक हर एक स्पेंडर एनालिस्ट और गार्डियन ऑफ मनी इन तीनों में जो बंदा जहाँ पे खड़ा होता है ना फिर वो उसी जगह अपने बेलचे से सुराख करता है और मजीद उसके अंदर खड़ा हो जाता है कि मुझे कोई मारे भी तो मैं इससे बाहर ना निकल सकूं तो ये ये अब थी ये चीज़ें आपकी ठीक है आप, आपका पॉइंट ठीक है लेकिन अगेन वो द, द लॉन्ग रोड हमारी जर्नी में यही है कि जितना जल्दी हो सके चीज़ों को प्राइवेटाइज करें और गवर्नमेंट की कैपेसिटी इस चीज़ में बढ़ाएं कि वो मार्केट फेलियर्स को जल्दी डिटेक्ट करके उस पर उस पर एक्शन ले दे आर नो शॉर्टकट्स नो नो ईजी आंसर्स जी इमरान आप कुछ कह रहे हैं सर मैं ये कह रहा हूं कि देखें वो तो गवर्नमेंट ने ऊपर अपने लेयर्स के नीचे डिपार्टमेंटल फंक्शंस बनाए हुए तो हर डिपार्टमेंट अपनी चीजों को तो प्रायोरिटाइज करता है ना इट्स इट्स गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया तो उसमें सारे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट जाते हैं कि उनको प्रायोरिटाइज कर उन, उनका काम है ना तो हर डिपार्टमेंट का तो रोल यही है कि वो अपने प्रोजेक्ट के मैनेजर से अपने प्रोजेक्ट का तो उससे एफडीआई एफ के आने का और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती और वो जो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट होती तो उस लिहाज से हम उसको समझते हैं कि गवर्नमेंट में जिस काम के लिए हमें रखा गया है तो हम उस पर फोकस करें अब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि को इमरान की वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली आप अपने एनालिस्ट के तौर इमरान को रखें वो कन्विंस कर लेगा सबको और अगली दफा पैसे आपको मिलेगा ऐसी बात नहीं सर <laughs> मैं एक मीटिंग में गया बड़ी शब्दों शद्दोम से मैंने इस चीज के ऊपर इनको बयान किया प्लानिंग कमीशन में वहां पे मिनिस्टर साहब थे एक वो वो मेरा यूनिट ऑफिसर था लेकिन वो रिटायर हो चुका था सर आप देखिएगा ये मैं इस सड़क का नाम लूंगा ये इसी को अप्रूव करेंगे <laughs> और सर अनफॉर्चुनेटली सड़क ही अप्रूव हुई होगी ऐसा ये सही कह रहे हैं बिल्कुल अभी हमारा इसमें ना एक और बहुत सीरियस प्रॉब्लम रोल ऑफ बजटिंग भी है ना हमारा बजटिंग का तरीका ये है कि हर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट मतलब जो भी लोएस्ट लेवल तक जो मिनिस्ट्री में जहाँ तक चीज़ जा रही है उनको कहा जाता है आप अपनी डिमांड दें आ, रेकरिंग की शक्ल में भी और प्रोजेक्ट की शक्ल में भी वहस्ता आहिस्ता अप होती है कुछ कुछ करते हैं कुछ आते हैं और आखिर में एक बड़ा सच अंक आपके सामने आ जाता है और उसमें से आपने डिसीजन करना होता है तो वो टॉप डाउन वाली थाट या स्ट्रेटी वाली थाट तो है ही नहीं ना कि आप, आप उनको लिमिट्स बता देते हैं बजटिंग की डिमांड से पहले कितने पैसे हैं ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे लेकिन कोई ओवरऑल कंपनी ओवरऑल मुल्क के डायरेक्शन नहीं बताते कि हम अगले दस साल इस तरफ जाना चाहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं ना तो हर साल बजटिंग से पहले अगर ये वाली सोच है ना तो सबको बताना चाहिए कि भाई हम हमारे इस हम मुल्क को एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं वाटर कंजर्वेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आप फोकस करें इस साल इस तरह के प्रोजेक्ट दें तो अगर उस सिर्फ ये चीज़ भी ऐड हो जाए ना तो काफ़ी कम हो जाएगा फिर uh, ऐसी चीज़ों में पैसे लगाना जो कि शायद इस वक्त हमारी इमीडिएट नीड नहीं है नीड तो अच्छी चीज़ तो हमेशा नीड होती ही है लेकिन पैसे कम है तो इस वक्त कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा ये इमरान शफी आपकी ना आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे लग रहा है आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे आप अपने माइक को जरा प्लीज दोबारा से पूरी कंफिगर कीजिएगा हाँ इमरान शफी दोबारा बोलिएगा प्लीज अब आ रही है आवाज जी 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 आ रही है, जी आ रही रही है है आप कुछ कहना चाह रहे थे जी 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 बिल्कुल मैं सुन था। नहीं, नहीं, मैं, कुछ था। वैसे मैं सुन सुन रहा रहा नहीं 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 कुछ कह तो किसी और के सवाल है तुझे बताएं आखिर में जो लोग आये आमिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं बल्कि हमें आके वापस भी चला गया तो नहीं तो फिर हम इसको आज को इसको खत्म करते हैं आज के क्लास को और इन अगली दफ़ा मिलते हैं नेक्स्ट टू वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे और कैनवस पे चली गई हैं तो आप लोगों को अगले दो चार दिन में जब भी टाइम मिलता है उनको देखिएगा तो वेरी हेल्दी डिस्कशन माशाला आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों के सवालों से के आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो हम इन इन चीज़ को नहिस्ता आहिस्ता मजीद आगे आगे खोल रहे हैं उससे आगे मजीद खोलेंगे और जब आप देखेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस जब इसका कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कितनी तो कितनी डिटेल में जाना पड़ता है और कितना खून जगर जलाना पड़ता है तब जाके कोई बेहतर सा सस् सामने आता है तो कोई इनशाला अगले हफ्ते मिलते हैं जी जी मुजाहिद कुछ करू सर थैंक यू जी आ, जी सर ये जो इसमें पढ़ा था हमने इसमें जो ये वैल्यूएशन इन्होंने डाली भी है फॉर एग्जांपल जो इम्पेक्ट कैटेगरीज और मेट्रेसेस बनाई है और उन मेट्रेसेस के अंदर जो इन्होंने वैल्यूज डाली हैं

अभी तक की जो वीडियोस आपने देखी हैं वो सिर्फ फाइव तक है तो ये जो जिस जिसको मैं कह रहा हूँ ना मैट्रिक्स सिलेक्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मतलब होता है के पी आई यानी द स्टैंडर्ड यू वुड यूज टू मेजर दैम तो वो हम हम इन सब स्टेप्स को बहुत डिटेल में आगे देखेंगे और आपने एक पर्टिकुलर चीज़ का कहा कि उस बंदे ने तेरह डॉलर कैसे निकाला तो आप आ, आई सजेस्ट कि आप उस अगर आपके पास टाइम है ना तो वो जो पेपर है